ये उस महान व्यक्तित्व की जीवन गाथा है जिसकी याद में इस स्मारक का निर्माण हुआ। जगह बनाई है दयानंद और नंद रानी प्रभु ने। जब मैं भारत में था तो मुझे एक पत्र मिला था। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि अब यहां लॉस एंजलिस में हमारी शुरुआत हो रही है, जो अमेरिका का महत्वपूर्ण शहर है। यह सारी की सारी महिमा श्री कृष्ण की है। अब हमें तो बस भगवान के दिव्य नामों का जाप करते रहना है। हम यहां अपनी श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का लोगों को अर्थ समझाएंगे। जैसे तुम्हें भी तो बताया था मैंने, कोई भी सजग भक्त जो श्री कृष्ण से वास्तव में प्यार करता है, वो भी श्री कृष्ण महिमा और उनकी सच्चाई बता सकता है, क्योंकि कृष्ण तो सदा हृदय में रहते हैं और अपने भक्तों के सहायक हैं। स्वामी जी, मुझे लगता है कि लॉस एंजलिस के लोग न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को के लोगों के जितने ग्रहणशील नहीं हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर भक्ति भाव से जाप करो तो सफलता मिलेगी ही। भगवान कृष्ण तुम्हारे सहायक होंगे। जब मैं राधा दामोदर मंदिर में रहता था वृंदावन में, यहां अमेरिका आने से पहले, मैं अपने युवक युवतियों को भेजना चाहता था दुनिया भर में, ताकि वे वहां कृष्ण भावनामृत केंद्र बनाएं। यही मेरी महत्वाकांक्षा है। स्वामी जी, आपने जो सपना देखा था वो साकार हो गया है। अब अमेरिका में 5 मंदिर हैं और कनाडा में 1। हाँ, श्री कृष्ण ने तुम जैसे युवक युवतियों को मेरी मदद के लिए ही तो भेजा है। ये बड़े आनंद की बात है। स्वामी जी, क्या आप घर जाकर प्रसाद लेकर थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं? हाँ, चलता हूं। नाओ चलें।
वाह, बहुत अच्छा है। जब मैं भारत में था तब सभी कहते थे, स्वामी जी अमेरिका मत जाइए, वहां भूख से मर जाइएगा, वहां कुछ नहीं मिलता, वो तो बस मांस और आलू खाते। मैंने कहा तो क्या, मैं भी खा लूंगा ब्रेड और आलू, इसमें कोई परेशानी नहीं। और जब यहां आया तो देखी भगवान कृष्ण की अपार महिमा, वो मुझे सभी कुछ तो दे रहे हैं। खाने के लिए मुझे रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सब कुछ तो मिल रहा है। ये सब श्री कृष्ण की अपार महिमा है। हरे कृष्ण। वाह, बहुत सुंदर है, लगता है जैसे कोई बच्चा कुछ लिखना सीख रहा हो, उसकी लिखावट अच्छी न भी हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन शिक्षक मन में उसके प्रयास को देखकर आनंदित तो होता ही है। ये भी श्री कृष्ण की सेवा करने जैसा ही है। हम श्री कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं, वो तो सर्वशक्तिमान है, उन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं। फिर भी वे ये देखना चाहते हैं कि हम उनकी सेवा का प्रयास करते हैं कि नहीं। समझ गए ना? लिखो। हरे कृष्णा। स्वामी जी, मेरी पत्नी कृष्णा देवी मुझे छोड़ गई। क्या? क्या? मैं जब अपने माता पिता से मिलने न्यूयॉर्क जा रहा था तब उसे मैंने सैंटा फे मंदिर में कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था। जब मैं लौट कर आया तो पता लगा कि वो मंदिर में आने वाले एक लड़के के साथ भाग गई है। क्या कृष्णा देवी ने ऐसा किया? उसने मुझे छोड़कर उसी के साथ रहने का निर्णय लिया है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहो, श्री कृष्ण सब कुछ ठीक कर देंगे। धन्यवाद स्वामी जी। मैंने यज्ञ की अग्नि के समक्ष सुबाला और कृष्णा देवी का विवाह करवाया था। मैंने उनसे कहा था कि वे आदर्श दंपति बने और साथ मिलकर कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करें, न्यू मैक्सिको में एक केंद्र खोलें, और आज दोनों अलग हो गए। आ जाओ। स्वामी जी, कृष्णा देवी ने एक पत्र भेजा है। पढ़कर सुनाओ। लिखा है, स्वामी जी, मैं आपकी या श्री श्री राधा और कृष्ण की सेवा हमेशा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती, पर मैं सुबाला के साथ नहीं रहूंगी। मैं और एंडी आपके आदेश से आपकी सेवा करना चाहते हैं, कृपा करके हमें आदेश दीजिए। ये सब निरर्थक है। सुनो, मैं तो वृंदावन चला जाऊंगा और वहां हरे कृष्ण का जाप करूंगा। मैं ये सब क्यों करूं? पति पत्नी के झगड़े के बीच में भला मैं क्यों पढ़ूं? यह सन्यासी का काम नहीं है। स्वामी जी, ऐसा मत कहिए आप। हो सकता है हम अभी भी सुबाला और कृष्णा देवी की सहायता कर सकें। हम शायद उन दोनों के बीच फिर से सुलह करवा सकें। ठीक है, एक पत्र लिखो। तुमने जो भी किया उससे यहां के हर सदस्य के दिल को
बहुत ही गहरी ठेस पहुंची है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम कुछ ऐसा कर डालोगी। अगर तुम्हें मुझसे या श्री कृष्ण से प्यार है तो तुम्हें यहां तुरंत लौट आना चाहिए, या तो मेरे पास या फिर अपने पति के। जल्दी ही तुम्हारे पत्र से पता लगता है कि तुम्हें अपने किए पर दुख है, तुम उसे स्वीकार कर रही हो, तुम लौट आओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबाला से कहना न भूलना कि मालिश के समय मुझसे मिल ले। जी स्वामी जी। वास्तव में कृष्णा देवी की स्थिति बड़ी ही खेदजनक है। भारत में ऐसा तो कहीं भी नहीं सुना। यहां के लोगों में संस्कार नहीं है। अगर किसी की तरफ आकर्षित हो गए तो उसके पीछे बुरी तरह भागते हैं, जानवरों की तरह। पर यह एक बहुत अच्छी शिक्षा भी है। विपरीत लिंग के प्रति ऐसे लगाव से बहुत सारे कष्ट भी होते हैं। मैं पति पत्नी के बीच के लगाव की बात यहां नहीं कर रहा हूं, वो तो स्वाभाविक है। मैं दंपतियों को यही प्रेरणा देता हूं कि वे सब हमेशा श्री कृष्ण को याद करें। ये शायद आसान नहीं है, किंतु हमें जितनी भी सफलता मिलती जाए हमारे लिए उतनी ही आनंद की बात है। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना स्वामी जी? कभी कभी मेरे सिर में भनभनाहट सी होती है, कभी कभी सिर में दर्द होता है और बाएं कान में सनसनाहट भी। स्वामी जी आप अधिक देर तक विश्राम किया कीजिए, अभी भी आप सुबह बहुत जल्दी जाग जाते हैं। उस जीवन का क्या महत्व जिसका उपयोग श्री कृष्ण के लिए ना हो। मैं सुबह जागकर अपनी किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद करता हूं ताकि मेरे शिष्य उन्हें पढ़ें और लाभ उठाएं। जब मैं श्री कृष्ण के बारे में लिखता या बोलता हूं तब दर्द नहीं होता। पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान लगाना बहुत अच्छा होता है। पुराने समय में साधु संत पेड़ों के नीचे बैठकर उपदेश देते थे। भारत में साधु संत पेड़ों के नीचे शिक्षा भी देते थे और बिना किसी ओट के वहां रह भी लेते थे। चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों पर पुस्तक लिखने वाले छह गोस्वामी वृंदावन में इसी तरह रहते थे। रात को वह किसी दूसरे वृक्ष के नीचे बैठ जाते और संस्कृत की पुस्तकें लिखा करते थे। इन चींटियों को देख रहे हो, इनके बीच भी पति पत्नी का संबंध होता है। संपूर्ण विश्व इसी बंधन से बंधा है। कृष्णा देवी ने अन्य पुरुष को अपना कर कुछ अच्छा नहीं किया। सबसे अच्छा काम तो है एक साथ रहकर श्री कृष्ण की सेवा करना।
माया बड़ी शक्तिशाली है। माया की शक्ति हर प्राणवान जीव को जब असहाय बना देती है, तब हम सहायता के लिए श्री कृष्ण को पुकारते हैं। हमें हर क्षण प्रार्थना करनी चाहिए ताकि माया की शक्ति हम पर हावी ना हो सके। कल मेरे आध्यात्मिक गुरु के अवतार लेने का दिन है, उन्हीं की अनुकंपा से आज तुम लोग मेरे साथ हो और मैं उनके आदेशों उपदेशों को पूरा कर पा रहा हूं। मुझे कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कहा गया और तुम लोग मेरी सहायता कर रहे हो। कल हम उनके सम्मान में एक समारोह करेंगे। जी स्वामी जी। मेरे आध्यात्मिक गुरु एक निडर उपदेशक थे। उनसे बड़ी जाति वाले जैसे कि गोस्वामी, समर्थ ब्राह्मण या सहजिए सभी उनसे डरते थे। कोई उन्हें वाद विवाद में परास्त नहीं कर सका। वो तो ग्रंथों में लिखी बातों के चलते फिरते विश्वकोश थे। आप भी तो वैसे ही हैं स्वामी जी, आप भी समझौता नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने मैं एक मूर्ख से अधिक कुछ भी तो नहीं हूं। अगर आप कुछ भी नहीं है स्वामी जी, तो हम सब क्या है? दादा हमेशा बेटे से ज्यादा पोतों को प्यार करता है, तो श्रीला भक्ति सिद्धांत को तब बहुत ही प्रसन्नता होगी जब तुम सभी भगवान के पावन नामों का जाप करोगे और उनके उपदेशों का प्रचार। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, चलो इन्हें वेदी पर ले चलते हैं और भोग लगाते हैं। जी 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 स्वामी जी। मेरे पास हौसला बढ़ाने वाले कई पत्र आए हैं। इनमें लिखा है कि सभी जाप करके प्रसन्न हैं, और इसमें है कि वो दूसरों को बताएंगे कि हरे कृष्ण का जाप कैसे करें। और ये पत्र कुछ महीने पहले आया था। इसे भेजने वाले हैं उमापति। लिखते हैं वो फिर से कृष्ण भावना अमृत में लौटना चाहते हैं। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो गया क्यों था। पहले वो बौद्ध धर्म को ही मानते थे, तब वो निर्व्यक्तिवादी थे। जब मैंने उन्हें बताया कि बुद्ध ने कभी धर्म ग्रंथों को नहीं माना, तो वो गुस्से में चले गए। ओह, ये बात थी। मंदिर से जाने के बाद उन्होंने दोबारा अपनी पुरानी आदतों को अपना लिया, और एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों को मांस खाते देखा। तब उन्हें याद आया कि उनके आध्यात्मिक गुरु ने कहा था ये बुरी बात है,
इस तरह भले ही वो कृष्ण भावना मृत से दूर हो जाना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी याद दिला दी और अब वो यहां लौट आना चाहते हैं। एक बार श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती के एक सन्यासी शिष्य की धर्म पत्नी घसीट कर अपने पति को यहां से ले गई। तब श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती बड़े दुखी हुए, वो अपने शिष्य को बचा नहीं सके। एक शिष्य माया के प्रभाव से उनसे यूं दूर हो जाएगा? नहीं, उसका आध्यात्मिक गुरु ऐसा कभी नहीं होने देगा। लो इन पत्रों को मेरे चढ़ावे के रूप में श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती के पावन चरणों में रख दो। तो तुम सभी से मेरा एक अनुरोध है, जाप के बाद तुम्हें जो अनुभव हुआ है उसके बारे में जो जो तुमने समझा है दूसरों को भी बता दो। तुम लोग बस सिर्फ इतना करो, तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कोई उपदेश मत दो। बस इतना कहो कि तुम्हें प्रसन्नता मिली है इसलिए तुम हरे कृष्ण का जाप करते हो। अगर वो भी ये जाप करें तो उन्हें भी प्रसन्नता मिलेगी। लीलावती कहाँ है? मैंने कई दिनों से उसे नहीं देखा। मैं उसे लेकर आता हूं, कुछ देर पहले वो घर के बाहर ही खड़ी थी स्वामी जी। हरे कृष्णा। ओ, तुम आ गई, पहले क्यों नहीं आई तुम? ओ स्वामी जी, मुझे लगा कि कहीं आपको परेशानी ना हो। मैं सोच रही थी कि आप पुस्तकों का अनुवाद कर रहे होंगे और मैं नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ आकर आपके काम में व्यवधान डालूं। क्या तुमने जानते हैं कि मेरे शिष्य ही मेरा काम है? मैं जानता हूँ तुम लोगों के द्वारा ही प्रसार होगा कृष्ण भावनामृत का, और इस कार्य के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा अगला कार्यक्रम क्या है? भोजन तैयार है। अरे वाह, यही है कृष्ण भावनामृत। जय श्री कृष्ण। हरि बोल। जय। धन्यवाद। केट, कोई गंध आ रही है तुम्हें? हेनरी प्लीज, अब ये मत कहना कि मैंने टोस्ट फिर से जला दिया। नहीं, टोस्ट की गंध नहीं है, क्या है ये? सुनो जरा। हाँ, गंध ही है। आओ, आंखों से पानी गिरने लगा है। ये क्या है फिर? उधर देखो, वहाँ धुआं है। अरे, मैं अभी अग्निशामक दल को फोन करता हूँ। दयानंद जी, क्या हो गया यहाँ? रसोई में ये खाना पका रहे थे और धुआं भर गया यहाँ। आग नहीं लगी है, ये लोग वहाँ खाना पका रहे थे, उसी से इतना धुआं निकल रहा था वहाँ। सुनो, हमारा समय कीमती है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, विश्वास कीजिए। हाँ, हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, समझे। धन्यवाद। पहले ही तुम लोगों के तेज संगीत के कारण इतने उलाने आ रहे थे, और अब ये? हम क्षमा प्रार्थी हैं श्रीमान। तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग यहाँ पर ध्यान केंद्र खोलोगे, झूठ बोला ना तुमने? नहीं, अब ऐसा फिर देखो, कभी नहीं होगा। देखो, विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ये लो अपनी पेशगी के $50 और इसी समय मेरे घर को खाली कर दो, समझ गए? हाँ। वरना मैं पुलिस को फोन करके तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा। क्या? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, राम
सुनो बच्चों, क्या परेशानी है? आज हमें घर से निकाल दिया गया है। और रहने की कोई जगह नहीं? नहीं, लेकिन श्री कृष्ण अपने भक्तों की सुध रखते हैं। ओह, चलो तुम लोग मेरे साथ मेरे घर में रहो। क्या आपके साथ रहने वाले लोगों को बुरा नहीं लगेगा? अरे बिल्कुल नहीं, मेरे साथ तो सिर्फ चेस्टर रहता है और इसे लोगों का साथ बहुत पसंद है। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कई लोग हैं मेरे साथ। कोई बात नहीं, सभी चलो मेरे साथ, चलो मैं यहाँ करीब ही रहती हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। स्वामी जी, यही वो महान औरत है जिन्होंने हमारी सहायता की है। अब सारे भक्त इनके घर में ही रह रहे हैं। ओ, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल आपके शिष्य बहुत भले हैं, इसलिए मैंने इनकी सहायता की। और इसके लिए हम सब आपके बहुत ही कृतज्ञ हैं जो आपने समय पर हमारी सहायता की। अब कुछ भक्त इनके साथ रह सकते हैं और कुछ दयानंद के साथ उसके घर में। हाँ, हम किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते हैं। हाँ, संकीर्तन के लिए किराए पर एक घर ले लिया जाए जिससे भक्तगण वहीं एकत्र होकर जपें हरिनाम। स्वामी जी, क्या आप हॉलीवुड शाकाहारी समाज को अपना उपदेश देंगे? क्या वे भगवद गीता का पाठ सुनेंगे? नहीं, वो शाकाहारी होने के लाभ के बारे में सुनना चाहते हैं। शाकाहारी तो बंदर भी होते हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? उन्हें बता देना कि स्वामी जी को शाकाहारी होने के लाभ से कोई भी मतलब नहीं। ना, अगर भगवत गीता के बारे में कुछ सुनना हो तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन आप श्रीमद भागवत कक्षा के विद्यार्थियों को तो अपना भाषण देंगे ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं उपदेश देने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। जाओ, इनके लिए प्रसाद ले आओ। जी श्रीला प्रभुपाद। हम श्री कृष्ण को हर वो वस्तु देना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है, अन्न, फल, दूध, सब्जियां। इन सब वस्तुओं से हजारों प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। फिर इतने बड़े कसाई खाने की क्या जरूरत है? वैसे मैं तो अब उन चीजों पर ध्यान भी नहीं देती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है ये। इसे बनाने का तरीका क्या है? मैं अपने दोस्तों के लिए भी बनाना चाहती हूँ। जापान के प्रकाशक डाई निपोन बैक टू गॉडहेड पुस्तक के प्रकाशन के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा। हाँ, पर उनकी एक शर्त है। अच्छा? उनका कहना है कि वे कम से कम पत्रिकाओं की 20,000 कॉपियां प्रतिमास छापेंगे। 20,000? वो बहुत बड़ी और नामचीन फर्म है। चलो, तुम लोग मुझसे एक वादा करो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग पत्रिकाओं की 5,000 प्रतियां लो। अगर तुम लोग तैयार हो गए तब मैं सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, लंडन इन्हें भी 5,000 प्रतियां लेने को कहूंगा। लेकिन पहले तुम लोग वादा करो। जी स्वामी जी, यहाँ के भक्तगण ऐसा कर सकते हैं। हाँ, अब मैं उन्हें इतने बड़े प्रकाशन के लिए कह सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं कह पाता। इससे हमारे मंदिरों को भी लाभ होगा। वो कैसे स्वामी जी? हम लोग अपनी पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए $750 देते हैं जी, और उस $750 के बदले बैक टू गॉडहेड पत्रिका की तुम्हें 5,000 प्रतियां मिलेंगी। इस हिसाब से एक का मूल्य 15 सेंट। अब मान लो कि तुम पत्रिका को 50 सेंट में बेचते हो, तब तुम $750 खर्च करके
उससे $2,500 कमा सकते हो। देख लेते हैं, अगर हम सिर्फ 1,500 प्रतियां ही 50 सेंट की दर से बेच दे तो हमें हमारी लागत मिल जाएगी। इसका अर्थ है कि बाकी बची 3,500 प्रतियों से हमें काफी लाभ होना चाहिए। हाँ, और ये काम संकीर्तन दल बड़ी आसानी से कर सकता है। अगर पत्रिका की प्रतियों की संख्या बढ़ी तो हम पत्रिका का मूल्य और भी कम कर सकते हैं। जी स्वामी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी योजना है। मणि प्रकर सदमसुकल्प वृक्ष लक्ष्यवृत्तेषु सुरभिर अभिपालयन्ताम् लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदम् आदिपुरुषम् तम् अहम् भजामि। यही तो है इस अध्यात्म जगत की व्याख्या श्री कृष्ण के धाम की, जहां हर घर चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है, हर एक वृक्ष कल्प वृक्ष है और हर एक स्त्री सौभाग्य लक्ष्मी है। इस आध्यात्मिक जगत में इतना आकर्षण है श्री कृष्ण का कि दोनों पुरुष और स्त्री काम वासना में कभी भी लिप्त नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें अधिक आनंद है और वो भी अलौकिक और मधुर, जो सब में समा जाता है सहज ही कृष्ण प्रेम बनकर। यही कृष्ण भावना अमृत की परिपूर्णता है। स्वामी जी, कुछ पूछना है तुम्हें? जी, मान लीजिए कि अगर कोई ये मान ले कि कृष्ण भावनामृत ही उसे सिर्फ बचा सकता है और इसके बाद भी उसका झुकाव भौतिक सुखों की तरफ हो, तो क्या श्री कृष्ण उस पर दबाव डालेंगे कि वो उनका त्याग कर दे? हाँ, वो भक्त को इस तरह अपने पास लाते हैं कि भक्त कृष्ण भावनामृत में बहने लगता है। मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैं इस क्षेत्र में आना नहीं चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण मुझे ले आए, उन्होंने मेरी बहुत सहायता की। अगर हम मूर्खतावश श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और की कामना करें भी तो कृष्ण हमारे मन से उसे निकाल देंगे। तुम्हें भी कुछ पूछना है? जी स्वामी जी, कोई किस तरह काम भावना को श्री कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ सकता है? काम भावना प्राकृतिक बात नहीं है। तुम काम भावना का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए कर सकते हो। ऐसे बच्चे पैदा करो जो कृष्ण भक्त हो, इसको कोई मना नहीं करता। हम जो भी करें उसे हम तन मन से करें, श्री कृष्ण के लिए करें। कृष्ण भक्त माता और पिता ये निश्चित कर लें कि वे अपने बच्चों का लालन पालन ऐसे करेंगे कि उनके बच्चे भौतिक दुनिया में फिर लौट कर ना आने पाए। इस तरह आप सैकड़ों बच्चे पैदा कर सकते हैं। स्वामी जी,
हमारा संकीर्तन दल प्रतिदिन लॉस एंजेलिस में कीर्तन करने जाता है। बहुत अच्छी बात है। चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रचार के लिए इसे सबसे अच्छा माना है। और केवल चैतन्य महाप्रभु ने ही नहीं, बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों ने भी हरि नाम हरि नाम हरि नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। भक्तों को जाप करने से अति प्रसन्नता होती है स्वामी जी, और विष्णुजन उनके जैसी लगन और भक्ति भाव से अन्य कोई नेतृत्व नहीं कर सकता है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है। वो किसी गंधर्व जैसा ही कीर्तन गाता है। किसी किसी दिन तो हम लोग $25 तक जमा कर लेते हैं बैक टू गॉड हेड पुस्तक का वितरण करके। कितनी पत्रिकाएं बांट लेते हो तुम? करीबन 50। 50 पत्रिकाएं, ये तो बहुत हैं। बस तुम इसी तरह से काम करते रहो। स्वामी जी, रविवार को जब हम ग्रिफिथ पार्क में कीर्तन कर रहे थे तब वहाँ बहुत सारे लोग आए थे। तो लोगों ने पसंद किया? जी स्वामी जी, उन लोगों को विष्णु जन और श्रीमती द्वारा प्रस्तुत कठपुतली का नृत्य बहुत पसंद आया। वो नृत्य था राधा का विरह। बहुत ही अच्छा। तुम कृष्ण भावनामृत के बारे में बताओगे तो लोग अवश्य आएंगे। और स्वामी जी, उस दिन हम लोगों ने 98 दोने प्रसाद बांटे। ये प्रसाद ही तो है गुप्त अस्त्र हमारा। और ये कार्यक्रम अच्छे हैं और लोगों को पसंद भी हैं। पर तुम लोग एक मुख्य बात तो भूले ही जा रहे हो। मुझे लगता है कि भक्तगण तो काफी हो गए, अब हमें यहां एक मंदिर बनवाना ही चाहिए। हमें ऐसा स्थान चाहिए जहां हम लोगों को बुला सकें, ऐसा मंदिर चाहिए जिसमें लोग पूजा कर सकें और रह सकें। सोचो कब तक हम भगवान जगन्नाथ को घर में बंद करके उनके भक्तों से दूर रखेंगे। इसका अर्थ है हम उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। हमें भगवान की पूजा के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढना ही पड़ेगा। लॉस एंजेलिस में हमें एक मंदिर बनवाना ही होगा। हाँ, अच्छा काम किया है। इस मंदिर से इस कौन के लिए एक नया युग शुरू होगा। और अब तुम लोग भगवान जगन्नाथ और कर्ता मोशाय को मेरे घर से ला सकते हो, फिर इस वेदी पर हम उन्हें स्थापित करेंगे। जी और प्रतिदिन यहां पर पूजा होगी। इसका क्या मतलब है स्वामी जी? मतलब ये, प्रतिदिन भगवान की पूजा आरती होगी और भक्त जनों को प्रसाद भी दिया जाएगा। अच्छा,
मैं तुम लोगों को सारी बातें समझा दूंगा जी। और मुरलीधर और देवाहुति जी, जी स्वामी जी, तुम दोनों तो कलाकार हो ना जी। स्वामी जी, मैं आजकल श्रीमद् भागवत के 10वें खंड का संक्षिप्त अनुवाद करने में व्यस्त रहता हूं। उस पुस्तक का नाम होगा कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। इसके बाद मैं दूसरी पुस्तक भी शुरू करूंगा, संक्षिप्त विवरण रूपा गोस्वामी की रचनाओं का, और उस पुस्तक का नाम होगा द नेक्टर ऑफ डिवोशन। ये दोनों ही कृष्ण भावना अमृत के प्रचार और प्रसार में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी, और इन किताबों में कुछ रेखा चित्र भी होंगे जिसके लिए मुझे अच्छे कलाकारों की आवश्यकता होगी, और मैं हर चित्र के बारे में तुम्हें समझा दूंगा। क्या तुम लोग बना लोगे? जी हम प्रयास करेंगे स्वामी जी। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। मैं बोस्टन के आर्टिस्ट जादूरानी से भी ऐसे ही चित्र बनाने के लिए कहूंगा, और ये चित्र मुझे जल्दी ही चाहिए, और इस तरह पुस्तकों के प्रकाशन में देरी नहीं होगी। आप जितनी जल्दी चित्र बनाएंगे मैं उतनी जल्दी अपनी पुस्तक लिखूंगा। भगवान की कृपा हम पर सदा बनी रहे, जिससे हमें कोई भी परेशानी न हो। मैं आराम से द नेक्टर ऑफ डिवोशन के लेखन का काम संपूर्ण कर सकूं, क्योंकि ये काम मुझे मेरे गुरु ने सौंपा है, परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने। नहीं, मैं इतने बड़े आसन के योग्य नहीं हूं। लेकिन स्वामी जी, भले ही आसन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यह आपके सामने बहुत छोटा है। इसे एक तुच्छ भेंट समझकर स्वीकार कर लीजिए। वैसे भी हम आपको क्या दे सकते हैं? अगर मुझे इसे स्वीकार करना ही है तो मैं इसे अपने गुरु महाराज के लिए स्वीकारता हूं। जय हो स्वामी जी। हरे प्रभुपाद, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी इन पुस्तकों का एक बक्सा न्यूयॉर्क से आया है। सभी इस भगवद गीता का
कम से कम एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ो और फिर कक्षा में उस पर विचार करो। इसके बाद तुम सभी अच्छे उपदेशक बन जाओगे। हम भगवत गीता के विषय पर भक्तों की परीक्षा लेंगे। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को भक्ति शास्त्री की उपाधि दी जाएगी। जब और पुस्तकें आ जाएंगी तब हम और परीक्षाएं लेंगे। फिर हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य और द नेक्टर ऑफ डिवोशन, इनमें उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को भक्ति वेदांत की उपाधि दी जाएगी। मैं चाहता हूं मेरे हर आध्यात्मिक पुत्र और पुत्री को भक्ति वेदांत की उपाधि मिल सके और इस तरह परिवार का यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही जाएगा। जिनके पास भक्ति वेदांत की उपाधि होगी वे अपने शिष्यों को दीक्षा दे सकते हैं। हम ये पुस्तकें सिर्फ बाहरी लोग ही पढ़ें इसलिए प्रकाशित नहीं करवाते। हमारे अपने विद्यार्थी भी इन पुस्तकों के ज्ञान में पारंगत होने चाहिए, जिससे हम दूसरों को आत्मावलोकन के क्षेत्र में आसानी से मात दे सकेंगे। हरे स्वामी जी। मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि मैंने द नेक्टर ऑफ डिवोशन का अनुवाद शुरू कर दिया है। अच्छा स्वामी जी, जब किसी का ध्यान परिवार, दोस्तों, देश और समाज में लगा हो तो वो कैसे निरंतर हरे कृष्णा का जाप कर सकता है? देखो, जब माया दबाव डालती है और वो कृष्ण भावना मृत से तुम्हारा ध्यान खींचती है, तुम हरे कृष्ण का जाप करके माया को दूर भगा दो। श्री कृष्ण के साथ रहते तुम्हें माया का कैसा डर। हम बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन वो शक्ति है क्या? वो शक्ति है जाप। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस भौतिक संसार में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को मापने के लिए अनेक मशीनें हैं, मगर भगवान कृष्ण की शक्ति को मापने का पैमाना क्या है? पैमाना तो तुम्हारे पास ही है। वो मशीन ना तो कहीं से खरीद कर लानी है और ना ही किराए पर लानी है। वो मशीन है तुम्हारी जीभ, तुम्हारे कान। इनसे ही तुम्हारे कृष्ण का जाप करते और सुनते हो। बस यही जीवन का सार है। प्रभु ईसा मसीह ने कहा था कि जब ईश्वर दिखते हैं तब तुम्हारी सिर्फ एक ही आंख होती है। तुम इस बात का क्या अर्थ समझते हो? यही कि ईश्वर को देखने के लिए अपना ध्यान सिर्फ एक स्थान पर केंद्रित करो, ईश्वर पर। बिल्कुल सही, क्योंकि जब तुम भगवान को देखते हो तब उनके सिवा और कुछ नजर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि वही जीवों के करोड़ों रूपों को जन्म देने वाले पिता हैं। जब कोई भक्त किसी पेड़ को देखता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि वो कृष्ण है। और जब कोई जानवर नजर आता है तो उसमें भी वो कृष्ण को ही देखता है। यदि कोई घड़ी देखता है तो उसमें भी उसे कृष्ण ही दिखाई देते हैं। तो जो ईसा मसीह ने कहा है वो सत्य है। आप जो भी बातें कहते हैं वो इतनी आसानी से हमारी समझ में कैसे आ जाती हैं? क्योंकि जो बात यहां कही गई है बहुत ही सरल है, प्रभु की महिमा है। तुम भगवान नहीं हो, और ये भी कभी मत कहो कि भगवान नहीं है। भगवान तो है और वो महान है। हम छोटे हैं इसलिए हमारी हस्ती ही क्या है।
हमें तो कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, यही सच है। और तुम जिस महामंत्र का जाप प्रतिदिन करते हो उससे सोया हुआ मानव समाज जाग उठेगा। बस जाप करते रहो कृष्ण का। हाँ, कृष्ण भावनामृत और कृष्ण सेवा के लिए जिन आवश्यक साधनों का इस्तेमाल करना हो वो हमें करना ही चाहिए। जैसे कि हम मशीनों का उपयोग कर रहे हैं जिससे कृष्ण भावनामृत के अपने इस अभियान को आगे ही आगे बढ़ा सकें। इन्हें जैसे टाइपराइटर, डिक्टाफोन, टेप रिकॉर्डर्स, माइक्रोफोन और विमान जैसे उपकरण। कभी कभी लोग पूछ बैठते हैं, आप भौतिक साधनों का इस्तेमाल क्यों करते हैं जबकि आप आधुनिकता के विकास की आलोचना भी करते हैं? नहीं, पर ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा। कृष्ण भावनामृत प्रचार के लिए आवश्यक जो भी हो उसे अवश्य करें, ये वही सिद्धांत तो है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया था कि पार्थ, धर्म की रक्षा के लिए अपनी युद्ध कला का समुचित उपयोग करो। ऐसे ही हम भी इन मशीनों का उपयोग कर रहे हैं कृष्ण की सेवा के लिए। हमें कृष्ण और कृष्ण भावनामृत से इतना गहरा लगाव है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। स्वामी जी, मुरलीधर ने यह चित्र बना लिया है। यह चित्र श्रीमद् भागवत के पहले खंड के आवरण के लिए है। उसने कहा है कि आपको दिखलाकर आपकी सहमति ले लूं। हाँ, बहुत सुंदर है। यह संपूर्ण रचना तो श्री कृष्ण की ऊर्जा का विस्तार भर है। इसमें असंख्य वैकुंठ और ग्रह अनंत अनादि काल से समाये हुए हैं। सहस्रों ब्रह्मांड हैं जो उनकी केवल एक सांस से निकले हैं, और हर एक ब्रह्मांड में न जाने कितने प्रकार के जीव जंतु हैं जो उन ग्रहों और नक्षत्रों पर निवास करते हैं। उन्हीं ग्रहों में से हमारी ये धरती है। Hare Ram 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 Ram
ये लीजिए, ये आपके लिए है। ओह धन्यवाद। लेकिन आज बात क्या है? हम जा रहे हैं, हमारा मंदिर हमें अब छोटा पड़ने लगा है, इसलिए हम लोग एक बड़ी जगह पर जा रहे हैं, वेट्सका एवेन्यू में। अरे वाह, बहुत खूब। वैसे आप पुरानी जगह पर भी ज्यादा दिन तक नहीं रहे? नहीं, बस एक साल। हमारी संख्या बढ़ गई है, आप वहाँ जरूर आइएगा। ये रहा हमारा नया पता। जरूर। प्रभुपाद, मैं चाहता हूं कि आप भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के गोदाम को देख लें। छपने के बाद यहीं पर आपकी पुस्तकों को रखा जाएगा, फिर यहां से हम उन्हें दुनिया भर में भेजेंगे। कहीं ये किताबें यहीं न रखी रह जाएं, इस बात का ध्यान रखना। नियमित रूप से जा रही हैं प्रभुपाद, भक्तगण पूरी दुनिया में आपकी लिखी पुस्तकों को दिन रात बांट रहे हैं। तो हमारे पास है चैतन्य चरितामृतम और भागवतम। अगर हम इन पुस्तकों पर आधारित कुछ नाटक भी कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, उन्हें लोग भी पसंद करेंगे और हमारे भक्तगण नांगिक अभिनय करेंगे और ध्वनि संवाद प्रसारित होते रहेंगे नेपथ्य में अलग अलग भाषाओं में, और इस तरह हम अपने ट्रूप्स ले जा सकते हैं मायापुर और वृंदावन के उत्सवों में। नाट्य कला हो या कोई और कला, बिना साधना के प्राप्त नहीं होती, और हम उसका उपयोग करेंगे कृष्ण भावना अमृत के लिए। जी स्वामी जी। Krishna, 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 Hare Hare.